हम हजार बार मरी गए लेकिन हर बार मरी जाके ऐसा ही लगता है कि नई जगह है। जनाब मरी इस्लामाबाद से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर है और अगर हम मोटरवे के रास्ते जाएं तो ये हमें तकरीबन 1.5 घंटे में मरी पहुंचा देगा। हाँ साथियों, मरी जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो पुराना जीटी रोड यानी कि मरी रोड है और दूसरा मोटरवे है। इस वक्त हम मरी पहुंच चुके हैं, मरी मैकडोलन जो कि लोअर टोपा पे है। हमारा पहला पड़ाव यहाँ पे है। बच्चे जब साथ हों तो मैकडोलन जाए बगैर कैसे रह सकते हैं आप। चलिए मैकडोनल्ड के अंदर चलते हैं। बाहर थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है और अंदर शायद गर्म कॉफ़ी, गर्म चाय या गर्म बर्गर मिल जाए। चलिए फिर। अभी हम मैकडोनल्ड की पहले फ्लोर से आपको बाहर का मंज़र दिखा रहे हैं। बाहर देखिए तो कितना खूबसूरत मंज़र है। सामने दूर एक फाइटर जेट जो कभी फ़ज़ाओं में उड़ता था आज ज़मीन पर है और एक तोहफा है PF की तरफ से पाकिस्तानी आवाम के लिए। जनाब ये F5 टाइप फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसकी लंबाई तकरीबन 54 फीट है और ये सिंगल सीटेड है। ये बम और दीगर एमुनिशन अपने साथ लेके उड़ सकता है और ये 1971 की जंग में इसने अपने खूब कारनामे दिखाए।
तकरीबन 1.5-2 घंटे यहाँ गुजारने के बाद हमारी अब अगली मंजिल मरी शहर है। हम इस वक्त बादलों में गिरे हुए हैं, दूर दूर तक बादल ही बादल हैं और ऐसे लगता है हम बादलों के दरमियान रह रहे हैं। खूबसूरत मंज़र, ज़मीन पर रहते हुए इतने खूबसूरत मंज़र देखने बड़ी मुश्किल, और अल्लाह की शान हमारे इस मुल्क में बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। सब्ज़ लहराते दरख्त देखिए, तेज़ हवाओं के साथ कैसे मस्तियाँ कर रहे हैं, और ऊपर से बादल बादल भी तो ज़मीन पे आ गए हैं। वेलकम टू द मरी सिटी। अब हम मरी पुराने मरी के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इस वक्त ऐसे है कि जैसे सारे के सारे बादल ज़मीन पर आ गए हैं और गाड़ियों इंसानों से अटखेलियाँ कर रहे हैं। हमारी नज़र बहुत कमज़ोर, यानी कि हमें अगली गाड़ी देखनी भी बड़ी मुश्किल हो रही है, बहुत डेंस बादल हैं। लेकिन सब के सब जवान इस वक्त इसी उम्मीद पे यहाँ मौजूद हैं कि हम इन नज़ारों को अपनी आँखों में बंद कर लें। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट बेकरी के नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आजकल एक नए कैफ़े का इफ्ताह हुआ है, जो कि अरशद ख़ान, एक मशहूर लड़का जो कि चाय बनाने का काम करता था, इत्फाक उसने अल्लाह को एक बेहतरीन मॉडल बना दिया, और जब अल्लाह ने उसको दिया तो उसने अरशद कैफ़े के नाम से, अरशद चाय वाला के नाम से अपना नाम कमाया और यहाँ भी एक कैफ़े बना दिया।
कुदरत के बनाए हुए नज़ारे देखिए ज़रा, कितना खूबसूरत मौसम है, ऐसे लगता है जन्नत का मंजर, बादलों के दरमियान खूबसूरत दरख्त। रात होने वाली है, अब मेरा ख्याल है कि हमें वापसी का प्रोग्राम करना चाहिए। अब हम वापस चलेंगे। साथियों, हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए ये मनाजिर फिल्म बंद की है, आपको दिखाने के लिए कि देखिए पाकिस्तान में पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। ये हमारा अपना वतन है, इसकी कदर करें। ये मनाजिर आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, ना स्विट्ज़रलैंड में मिलेंगे, यकीन करें स्विट्ज़रलैंड में भी ऐसे मनाजिर नहीं मिलेंगे आपको। वहाँ खूबसूरती है, आर्टिफिशियल खूबसूरती है, यहाँ कुदरत की अपनी खूबसूरती है, और कुदरत कुदरत होती है। बहुत खूबसूरत मौसम है, बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं। ये आपका अपना मुल्क है, इसका ख्याल रखिए, और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।